गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज टॉपिक मेनिंजाइटिस। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस और सेरिब्रोस्पाइनल फीवर एन एक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड बाय एन मेनिंजाइटिस, यानी जो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस या और सेरिब्रोस्पाइनल फीवर इज एन एक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड बाय एन मेनिंजाइटिस, यानी नाइजीरिया मेनिंजाइटिस जो बैक्टीरिया है उनके द्वारा ये डिजीज जो है इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेम्ब्रेन, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का इन्फ्लामेशन होता है जिसके कारण से ये काफ़ी एक्यूट डिजीज है जिसको सेरिब्रो स्पाइनल फीवर या मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। इट यूजली बिगिन्स ए इंटेंस हेडेक, जो शुरुआती जो लक्षण है हेडेक, वोमिटिंग्स, स्टिफ नेक्स एंड प्रोग्रेसिंग कोमा विद ए फ्यू आवर्स, और कुछ ही घंटों में जो पेशेंट्स है इस मेनिंजाइटिस जो इन्फेक्शन है उसके कारण कोमा में जा सकता है। द मेनिंजाइटिस इज पार्ट ऑफ सेप्टिसिमिक प्रोसेस, ये एक सेप्टिसिमिया का ही पार्ट होता है। द फैसिलिटी ऑफ टिपिकल अनट्रीटेड केसेस अबाउट 80% विद अर्ली डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट केस फर्टिलिटी रेट्स हैव डिक्लाइंड लेस देन 10%। तो टिपिकल अनट्रीटेड केस 80% है विद अर्ली डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट, और फर्टिलिटी रेट्स हैव ए डिक्लाइन लेस देन 10% ही है। डेफिनेशन ऑफ मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस इज डिफाइंड एज ए इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो मेनिंजेस है यानी कि मेम्ब्रेन है जो ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की, उसका इन्फ्लामेशन होता है। इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरह हो इन्फ्लामेशन, ये सूजन का होना मेनिंजाइटिस कहलाता है। जैसे कि इस डायग्राम्स में है डूरा के जस्ट एरिक्नॉइड और कोलोमीटर, जो गोल आकार के अंदर जो दिखाया गया है वे है मेनिंजाइटिस इन्फ्लामेशन जो यहाँ पे होता है। कौन से बैक्टीरिया के द्वारा? नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। अब एपिडेमोलॉजी फीचर्स के किस किन कारणों से ये जो बैक्टीरिया है फैलता है, तो पहला लेते हैं इसमें एजेंट कौन से होते हैं। द कॉजेटिव एजेंट जैसे बताया नाइजीरिया में मेनिंजाइटिस इज ए ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई, ठीक। नेक्स्ट है 12 सोरा टाइप्स हैव बीन आइडेंटिफाइड वाई अ ग्रुप ए बी सी 29 ई आई के एल डब्ल्यू 135 एक्स वाई जेड बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसेकेराइड कैप्सूल्स, जो पॉलीसेकेराइड यानी कई बैक्टीरियास होते हैं जिसमें अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि कलेबेसेला निमोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई एंड टू टाइप्स ऑफ एस्क्यूरिया कोलाई, ये सभी बैक्टीरियास होते हैं जिसके द्वारा ये होता है, और ये अलग अलग बैक्टीरिया जो है मेनिंजाइटिस को कॉज होते हैं या फैलाते हैं। द मेजोरिटी ऑफ इन्वेसिव एनजोकोकल इन्फेक्शन आर कॉज बाई ऑर्गेनिज्म ऑफ सोरोटाइप ए बी सी एक्स डब्ल्यू एक्सपेंडिस एंड वाई मनीकोकल ऑफ दिस सोरो ग्रुप्स हैव बे पोटेंशियल टू कोज बोथ एंडेमिक डिजीज एंड आउटब्रेक्स। सोरो ग्रुप्स यानी ये जो बैक्टीरिया है जो मैंने जो प्रमुख संक्रमण कारण होते हैं, ये अपर रेस्पिरेटरी से संक्रमण कारण बनते हैं, और लेकिन जब ये ब्लड सर्कुल में फैलते हैं तो ये एक जो है मेनिंजोकोकल और मेनिंजाइटिस को कारण बनते हैं। और जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है वे इन्फेंट जो मेनिंजाइटिस है उसके लिए उत्तरदायित होते हैं। एंड मेनिंजाइटिस इज ए डेडिकेट ऑर्गेनिज्म, इट डाइज रैपिडली एंड एक्सपोजर टू हीट एंड कोल्ड। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के किन किन कारणों से ये इनके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से, जैसे कि पहला है द ऑर्गेनिज्म ऑफ फाउंड ऑफ नेजोफेरिंजियल, जैसे कि मैंने बताया कि ये अपर रेस्पिरेटरी से स्टार्ट होते हैं नेजोफेरिंजियल केसेस एंड कैरियर्स। क्लिनिकल केसेस प्रेजेंट ओनली ए नेगलिजिबल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मोर ऑफ्टन इन्फेक्शन कोज माइल्ड एवन अननोटिकेबल सिम्टम नेजोफेरिंजाइटिस। नेक्स्ट 4 to 35% ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन में हर्बियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन नेजोफेरिंजियल ड्यूरिंग इंटरइंटरवल पीरियड्स। केरीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, द मीन ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेरी केरीज इज अबाउट 10 months। ड्यूरिंग एपिडेमिक्स द केरी रेट्स मे गो अप टू 7 to 80%। थर्ड है पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, यानी जो कम्युनिकेबल
के द्वारा या कम्युनिटी द्वारा जो स्प्रेड होता है उसके द्वारा कैसे जो है ये स्प्रेड होता है, अनटिल मेनिंजोकोकल आर नो लॉन्गर प्रेजेंट एंड डिस्चार्ज फ्रॉम नोज एंड थ्रोट, केसेस रेपिडली लॉज ऑफ इन्फेक्शनसनेस विद 24 आवर्स ऑफ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है एज एंड सेक्स, दिस इज प्रेडोमिनेंटली ए डिजीज ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट ऑफ बोथ सेक्स विद हाइएस्ट अटैक्स रेट इन इन्फेंट्स एज 3 to 12 एज, यानी जो मोस्ट ऑफली ये जो है 3 to 12 एज में काफ़ी इन्फेंट्स को ये जो डिजीजें होती है। नेक्स्ट है इसमें इम्यूनिटी, ऑल एजेज आर सेक्यूलर, यंगर एज ग्रुप आर मोर susceptible than older groups as their antibodies are lower. Immunity is required by subclinical infection, mostly clinical disease or vaccinations. Infant derive passive immunity from the mother. यानी मदर के द्वारा जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। Environmental factors क्या क्या होते हैं, पहला है the seasonal variation of the disease is well established, outbreaks occur more frequently of dry and cold months of the year from December and June, यानी जो संडे और सबसे गर्म डे में ये काफ़ी स्प्रेड होती है। ओवर क्राउडिंग एज अकर्स इन स्कूल्स, जहाँ भीड़ भाड़ जैसे स्कूल्स है, ब्रेक्स है, रिफ्यूजीज है एंड अदर कैंप्स है इन द इम्पोर्टेंट प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर। द इंसिडेंस आल्को ग्रेटर लो सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स लिविंग अंडर पुअर हाउसिंग कंडीशंस विद एक्सपीरियंस एक्सपोजर टू टेबेको स्मोक स्प्लेनिया HIV इन्फेक्शन एंड ट्रेवल टू एंडेमिक एरियाज। अब एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन, द डिजीज स्प्रेड मेनली बाई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, द पोर्टल टू एंट्री इज द नेजोफेरिंजियल। इनक्यूबेशन पीरियड यूजली 3 to 4 डेज बट मे वेरी फ्रॉम 2 to 10 डेज। साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल जो कोर्स है, मोस्ट इन्फेक्शन डू नॉट कॉज क्लिनिकल डिजीज, मैनी इन्फेक्टेड पीपल बिकम एसिम्टोमेटिक कैरियर्स, यानी एसिम्टोमेटिक कैरियर्स जैसे कि ये लक्षणहीन यानी कुछ लक्षण नहीं होते कैरियर्स ऑफ द बैक्टीरिया एंड द सर्व ऑफ रिजर्व एंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर अदर्स, जो द्वारा ये फैलता जी। इन जनरल ससेप्टिबली इन मेनिंजोकोकल डिजीज डिक्रीज विद एज, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस हैज ए सडन ऑनसेट ऑफ इंटेंस हेडेक, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, फोटोफोबिया, स्टिफ नेक विद एंड वेरियस न्यूरोलॉजिकल साइंस। द डिजीज इज फिटल विद इन 24 to 48 hours, 5 to 10% इन केसेज इवन ए पॉम्बेंट एंटी माइक्रोबायल ट्रीटमेंट इज गुड हेल्थ, और 5 to 10% में एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट को देके इसको रोक सकते हैं एंड गुड हेल्थ एंड केयर फैसिलिटी। एमंग इंडिविजुअल्स हाउ सर्वाइव अप टू 15 to 20% हैव परमानेंट न्यूरोलॉजिकल सेक्यूल। मेनिंजोकोकल सेप्टिसीमिया इज ए देयर ए रैपिड डिसमिनेशन ऑफ बैक्टीरिया इन द ब्लड स्ट्रीम इन ए लेस कॉमन फॉर्म ऑफ मेनिंजोकोकल डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय सर्कुलेटरी कोलैप्स, हेमरेजिक स्किन रैश एंड हाई फर्टिलिटी रेट। क्लिनिकल फीचर इन्फेंट ओल्डर देन 3 months इंक्लूड फीवर, इरिटेबिलिटी, पुअर फीडिंग, वोमिटिंग, हाई पचकराई, सीजर्स, न्यूचुरल एजिडिटी, यानी न्यूचुरल एजिडिटी क्या होती है जो अपने नेक्स एंड उनकी मसल्स हैं उसमें काफ़ी स्टिफनेस होती है, यानी जो नेक्स को आगे की एक्सटेंड आगे की तरफ मोड़ने और मतलब असक्षम होती है, इसको कहते हैं न्यूचुरल एजिडिटी। क्लिनिक फीचर इन चिल्ड्रन ओल्डर देन 3 years इंक्लूड सेम फीवर, चिल्स, मलेजी यानी थकान, हेडेक, वोमिटिंग, पेपिलिडिमा, देर आर साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन लाइक न्यूचुरल एजिडिटी, पॉजिटिव बर्जिनकी साइन, ये क्या होते हैं साइंस, सिम्टम मेनिंजाइटिस, सीवर नेक, स्टिफनेस होती है इसमें, कॉज ए पेशेंट हिप्स एंड नीज आर फ्लेक्स वेन द नेक इज फ्लेक्स, यानी ये भी एक स्टिफ नेक्स की जो ब्रिजिंग साइंस बोलते हैं जिसको सीवियर स्टिफनेस होती है नेक की, जिसमें हिप एंड नीज को फ्लेक्स भी हम काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। पॉजिटिव कर्निंग साइंस यानी एक सेम इस कंडीशन स्टिफनेस ऑफ द मसल्स
ऐसे ओपिटोटोनस पोजिशंस, जबकि ये पोजिशंस नहीं है, ओपिटोनस ए टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी पोस्चर वेयर द बैक बिकम्स एक्सट्रीमली आर्क ड्यू टू मसल स्पाज्म। ये मसल स्पाज्म की एक पोजिशन होती है जिसमें जैसे टेटनेस के कारण जो कमर का ऐसे जो पोजिशन होती है ना पोस्चर, एबनॉर्मलिटी टाइप होती है ये, जिसमें कई कारण होते हैं, जिसमें मेनिनजाइटिस के कारण होती है, फोटोफोबिया, डिलीरियम, डीप एंड कोमा स्टुपर। नेक्स्ट है क्लिनिक फीचर्स में, क्लिनिक फीचर इन न्यूनेट इंक्लूड पुअर फीडिंग, वोमिटिंग, डायरिया, लेथार्जी, वीक क्राई, स्लीपनेस। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टमेंट में लंबर पंचर करते हैं, सीएसएफ एग्जामिनेशन होगा, ब्लड एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड एमआरआई, ये भी टोमोडो कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी एक्सरे की तरह स्कैन्स होता है, इसको द्वारा हम डायग्नोज करते हैं इन्फेक्शंस को कि कहाँ का बॉडी में इन्फेक्शंस इम्प्रूव हो चुका है। अब लेते हैं हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कि हम इस डिजीज को कैसे प्रिवेंस करते हैं। तो सबसे पहले केसेस, ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स कैन बी सेव द लाइफ्स, 95% ऑफ पेशेंट प्रोवाइड दैट इज स्टार्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट टू डेज ऑफ इलनेस, यानी शुरुआत इन्फेक्शन कंडीशन में जो ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स है उनको स्टार्ट करना है, जिसमें 95% पेशेंट प्रोवाइड को जस्ट दो दिन के अंदर स्टार्ट करना, जिसमें पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स, सेप्टिक जोन्स, अदर थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन शुड बी सस्पेंडेड, ए सिंगल डोज ऑफ लॉन्ग एक्टिंग क्लोरोफेनिकोल एंड सेप्टोजोन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एपिडेमिक मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस सब सहारन अफ्रीका, यानी अफ्रीका के अंदर जो सेप्टोजोन यूज है, जो एपिडेमिक मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में सब सहारा अफ्रीका है उसमें यूज किया जाता है, सेप्टिसिमिक शॉक एंड राइज्ड इंटरक्रैनियल प्रेशर इन द मेनिंजाइटिस आर पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन द मैनेजमेंट ऑफ मेनिंजोकोकल डिजीज। नेक्स्ट ट्रीटमेंट द केसेस पार्शली नो इफेक्ट ऑफ द एपिडेमोलॉजिकल पैटर्न ऑफ द डिजीज बिकॉज इट ओनली रिड्यूस द फर्टिलिटी रेट ऑफ द डिजीज अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट एफिशिएंसी। नेक्स्ट इसमें ट्रीटमेंट प्रिवेंशन में आइसोलेशन ऑफ द केसेस लिमिटेड यूजफुल कंट्रोलिंग एपिडेमिक्स बिकॉज द कैरियर्स आउट नंबर केसेस। नेक्स्ट बी में लेते हैं कैरियर्स, ट्रीटमेंट विद पेनिसिलिन डोज नॉट बी इरेडिकेट द कैरियर स्टेट, मोर पावरफुल एंटीबायोटिक्स सच एज रिफेम्पिसिलिन आर नीडेड टू इरेडिकेटेड द कैरियर स्टेट्स, जो इरेडिकेट कैरियर स्टेट्स है उसमें हम एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन को ना करके जो इरेडिकेटेड स्टेट्स है यानी जहाँ पे ये काफ़ी एंडेमिक हो रखा है, ये फैल रखा है, तो उसमें हम जो एंटीबायोटिक्स है रिफेम्पिसिलिन यूज करते हैं। कॉन्टेक्ट यानी एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करना, क्लोज कॉन्टेक्ट पर्सन विद द कन्फर्म्ड मेनिंजोकोकल डिजीज आर नॉट इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपमेंट मेनिंजोकोकल इलनेस, एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग एडिशनल केसेस थ्रू रिट्रीटिंग कैरीज ऑफ द इन्वेसिव स्ट्रेन, मोस्ट सेकेंडरी केस अकर विद इन द 22 hours after presentation of the index case. Risk of secondary disease decrease the near baseline by 10 to 14 days. Close contact include household, child care and preschool contacts. In outbreaks involving limited populations, those are direct prolonged contact with a case of meningococcal disease may also offer clearance treatment. Ideally, where the indicated treatment should be started 24 hours identification of the index case. Antibiotics effective for the purpose include rifampicin, ciprofloxacin, ceftriaxone, and azithromycin. Mass chemoprophylaxis, यानी chemo prophylaxis का मतलब जो रासायनिक पदार्थ के द्वारा इसको हम कैसे prevent करेंगे। This is a fact, mass medication is a total population, some of which are not infected. It is recommended that mass chemoprophylaxis be restricted close the medically supervised communities. Mass treatment cause an immediate drop of the incidence rate meningitis and the proportion of carriers. The efficiency of preventive measure depends the large extent of the population coverage. The drug of choice are ciprofloxacin, meningococcin, spiramycin and ceftriaxone. Vaccines. Currently available meningococcal vaccines include polysaccharide vaccines or polysaccharide protein conjugated vaccines, the conjugated immunological memory. Both vaccines are available against meningococcal serology group A, C, W135 and Y. Polysaccharide vaccines जो है
मैंने 2-3 पॉलीसेक्रेट, बाईसेक्रेट, डाईसेक्रेट, ये यानी काफ़ी बैक्टीरिया की स्ट्रेन को बना के इसको तैयार किया जाता है, जिसको पॉलीसेक्रेट वैक्सीन कहते हैं। इंटरनेशनलिटी मार्केट मेनिंजोकोकल पॉलीसेक्रेट वैक्सीन आर अवेलेबल इन बाईवेंट ENC बैक्टीरिया के लिए, ट्राईवेंट, ट्राईवेंट में 3 स्ट्रेन, बाईवेंट में 2 स्ट्रेन के द्वारा, 3 बैक्टीरिया के द्वारा स्ट्रेन को तैयार किया जाता है। डेस्ट क्वाड्रिविलेंट यानी 3 से ऊपर फॉर्मेशन बनाई जाती है। द वैक्सीन कंटेंट जो है 50 UG ऑफ ईच ऑफ द इंडिविजुअल पॉलीसेक्राइड्स मेनिंजोकोकल पॉलीसेक्राइड वैक्सीन आर एडमिनिस्टर्ड एज ए सिंगल डोज ऑफ द पर्सन 2 ईयर्स ओल्ड। मोस्ट ऑफ दीज वैक्सीन आर गिवन सबक्यूटेनियसली। एडवर्स रिएक्शन नोट टू पॉलीसेक्राइड मेनिंजोकोकल वैक्सीन आर यूजली माइल्ड, द मोस्ट फ्रिक्वेंट रिएक्शन 1 to 2 डेज, पेन, रेडनेस और साइट ऑफ द इंजेक्शन विद द अकर 56% वैक्सीन रेसिपियंट, ट्रांसप्लांट फीवर ऑफ द रिपोर्टेड देन बिलो 5% ऑफ रिसिपिएंट। कंजेक्टेड वैक्सीन लाइसेंस्ड मेनिंजोकोकल कंजेक्टेड वैक्सीन आर मोनोविलेंट ANC और क्वाड्रिविलेंट ANC एंड W135 एंड Y एंड आल्सो इंक्लूड ए कॉम्बिनेशन वैक्सीन बेस्ड ऑन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एंड नाइजीरिया मेनिंजाइटिस सोरो ग्रुप सी वैक्सीन हिप एंड पेंसी। कंजेक्टेड वैक्सीन शुड बी गिवन ए इंट्रामस्कुलरली इंजेक्शन प्रिफरली इन द डेल्टोइड मसल्स। एंटी एंट्रालेटरल एस्पेक्ट द अपर थाई एंड चिल्ड्रन बिलो 12th मंथ ऑफ एज। फॉर मोनोविलेंट मैन सी कंजेक्टेड वैक्सीन है जो 1 सिंगल इंट्रामस्कुलर डोज दी जाती है, रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन एज 12 मंथ्स यानी 1 साल के करीब जो बच्चे होते हैं उनको, टीनेजर्स एंड एडल्ट्स। चिल्ड्रन 2 to 11 मंथ्स ऑफ द एज रिक्वायर्ड 2 डोज एडमिशन एंड द इंटरनल एंड एटलीस्ट 2 मंथ बूस्टर अबाउट 1 ईयर देयर आफ्टर। क्वाड्रिविलेंट वैक्सीन आर एडमिनिस्टर्ड ए सिंगल डोज ऑफ इंडिविजुअल एज 2 ईयर्स बिलो 2 ईयर्स। मेनिंजोकोकल वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड 2 to 8 degrees। कंजेक्टेड वैक्सीन आर प्रिफर्ड ओवर पॉलीसेक्राइड वैक्सीन टू बी देयर पोटेंशियल हार्ट पोटेंशियल एंड प्रोटेक्शन एंड देयर इंक्रीज इम्यूनोजेनिसिटी पार्टिकुलर इन चिल्ड्रन बिलो 2 ईयर्स ऑफ एज। बोथ वैक्सीन आर सेफ वेन यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फर्स्ट WHO रिकमेंडेड दैट कंट्रीज विद द हाई मीडियम एंडेमिक रेट्स ऑफ इन्वेसिव मेनिंजोकोकल डिजीज आर कंट्रीज विद फ्रीक्वेंट एपिडेमिक शुड बी इंट्रोड्यूस एप्रोसिएट लार्ज स्केल मेनिंजोकोकल वैक्सीन प्रोग्राम्स। नेक्स्ट एंड लास्ट नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट आइसोलेट द चाइल्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स कंट्रोल सीजर एंड प्रोटेक्ट द चाइल्ड इंजुरी मेंटेन फ्लूड इनटेक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कंफर्ट ऑफ रेस्ट मॉनिटर द चाइल्ड कंडीशन पेरेंटल गाइडेंस एंड सपोर्ट या हेल्थ एजुकेशन। दिस इज कंप्लीट ऑफ मेनिंजाइटिस मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। थैंक यू एवरीवन।